मालदा नाका क्षेत्र में एक आयोजन में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर को लेकर कहा कि 5 तारीख को हम सभी को दिवाली मनाना चाहिए, घर घर दीप जलाना चाहिए। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पालदा स्थित संस्कार स्वीट्स नमकीन बेकरी एवं फास्ट फूड का शुभारंभ करने यहाँ पहुंचे थे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस दौरान यह बयान दिया। सबसे पहले विजयवर्गीय ने संस्कार प्रतिष्ठान के बारे में कहा कि कैटरिंग व्यवसाय में शिव महाराज का नाम इंदौर में नहीं बल्कि पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। श्री राम मंदिर निर्माण शुरू होने को भाजपा महासचिव ने ऐतिहासिक बताया और आगामी 5 अगस्त को सभी से दीपावली मनाने की अपील की है। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। भाई साहब, आज शिव महाराज के यहाँ पर प्रतिष्ठान का शुभारंभ आपके घर कंपोज हुआ, क्या किस तरह से बधाई संदेश आप सभी को देंगे यहाँ पर? देखिए, शिव महाराज इंदौर के बहुत ही प्रतिष्ठित हलवाई हैं और बहुत अच्छा काम करते रहे हैं। बचपन से मैंने उनको देखा, मैं कम से कम उनको 25-30 वर्षों से जानता हूँ। और आज के समय में जब कोविड का समय चल रहा है तो आजकल शादियाँ वगैरह तो बंद हुई, तत्काल निर्णय लेकर एक साहसिक काम करना कि मिठाई की दुकान, ऑनलाइन भोजन, ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मेरी शुभकामना, और मैं मानता हूँ कि ये प्रतिष्ठान इंदौर की शान के अनुरूप लोगों की सेवा करेगा। और इस प्रतिष्ठान को लेकर भूमि पूजन होने वाला है, उसको लेकर किस तरह से देशवासियों को अपील की जाएगी? अभी हम लोग आ रहे थे तो दो बातें हैं। एक तो 550 वर्षों से जो विवाद था जिसके कारण बहुत सारे लोगों के प्राणों की आहुति दी, उस समय मुगलों ने काफ़ी जिस तरीके से क्रूरता की है, उस क्रूरता का जवाब शालीनता से भारत ने दिया है। और आज 550 वर्षों बाद उस स्थान पर फिर से राम मंदिर बनेगा जहां पहले कभी राम मंदिर था। ये एक सौभाग्य की बात है हमारी जनरेशन के लिए कि हम उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी महाराज जो समय बहुत दुखी थे जब वहाँ राम जन्मभूमि पर विवाद चल रहा था, तब तो उन्होंने कहीं उल्लेख भी किया है इसका। और तब से लेके अभी तक यह स्थान लोगों ने विवादित कर रखा था, पर एक प्रजातांत्रिक देश के अंदर पूरी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया और ऐतिहासिक निर्णय दिया। और मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरीके से सरकार का पक्ष रखा, आज हम सब भगवान राम के मंदिर को बनता हुआ देखेंगे और उसकी ऐतिहासिक क्षण की आधारशिला रखने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री और बहुत सारे साधु संत। तो हम सब उस दिन दिवाली मनाएं, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमारी जनरेशन के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम राम मंदिर को बनते हुए देखेंगे। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि उस दिवाली की तरह मनाएं, तो ठीक 12 बजे सब घरों में जो पटाखे छोड़ सकें वो पटाखे छोड़ें, दिवाली मनाएं, रात में भी अपने घर में दिए जलाएं। लगना चाहिए कि 5 अगस्त इस देश का बहुत ही ऐतिहासिक है। शहर को अनलॉक करने की घोषणा सबसे पहले आपने एक मार्मिक अपील जारी की थी और अभी कांग्रेस उसका वहाँ बाजारों में जाकर श्रेय ले रही है कि हम बाजारों को हमने खुलवाए मध्य क्षेत्र के, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो कांग्रेस फुर्सत में है, अभी कोई काम है नहीं, तो इसी प्रकार किसी भी प्रकार की जैसे उनकी प्रवृत्ति है कि कहीं पर भी जाकर अपना रुमाल रख दो कि ये बस हमारी है, तो रुमाल रखते ना जैसे बस पर की सीट मेरी है, तो कहीं पर भी जाकर रुमाल रख रहे हैं वो कि ये हमने किया, इससे कुछ नहीं होता है। समाज, जनता सब जानती है कौन काम। कंप्यूटर बाबा लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं और कुछ कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कौन सी पूछना है, प्रसिद्ध होगा और लोगों को अच्छी क्वालिटी। महाराज जी ने नगर भोज में भी अपनी सेवाएं दी थी उसको लेकर? नहीं, मैंने तो बहुत बड़े बड़े काम, हमारे यहाँ का ऐसा कोई काम नहीं है पिछले 25 वर्षों में जो बिना महाराज के हुआ, चाहे वो रमेश जी के बड़े भंडारे, नवरात्रि के, गणेश जी के, अभी पितृश्वर हनुमान मंदिर पर हमने जो इंदौर का ऐतिहासिक नगर भोज किया था उसकी भी पूरी व्यवस्था।